subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पर. कैसे हैं आप सभी, जरा बताइए कैसे हैं आप सभी. एकदम बढ़िया. तो यहाँ पर कैसा हो, अगर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक बार साइंस के जितने भी हमने यहाँ पर सेशंस लिए हैं वो रिवीजन करा दूँ, बिकॉज आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है. सो रिवाइज करेंगे, आज सभी रिवाइज करेंगे. क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, इज दैट बिकॉज ऑलरेडी मैं ये सेशंस ले चुका हूँ. तो आज 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को जो मैंने सेशंस लिए थे, उन सेशंस का यहाँ पर हम करेंगे रिवीजन. जिन्होंने किया है मिस वो देखेंगे दोबारा से, ताकि उन्हें एटलीस्ट क्वेश्चंस मिल सकें. तो जितने भी गाइज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जानते हैं क्या काम करना होता है. मेरे ग्रुप में भेज दीजिए और तमाम ग्रुप्स में भेज दीजिए कि लोकेश सर की क्लास शुरू हो चुकी है, भैया आ जाओ. ओके, तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यार से कंप्यूटर जी हमारे यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि रुकिए, थमिए जा रहा हूँ प्रभु, अभी हमें लगा लेने दीजिए पीपीटी को. बिल्कुल, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट देन दैट ऑफ अ फ्लोरीन ड्यू टू. इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से बेसिकली क्लोरीन की हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो सिर्फ 11 देख रहे हैं मेरे बंधु, मेरे सखा मित्रों, आखिर कहाँ हो आप लोग, बिखेर दो इत्र. ठीक है, तो आ जाइए सेशन में घूम फिर कर वहीं पर. सर वॉइस इज़ नॉट क्लियर. अगर वॉइस इज़ नॉट क्लियर देन प्लीज़ कंप्यूटर जी टेक अ एक्शन. राइट, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो कंप्यूटर जी वॉइस को क्लियर कीजिए पहले. डोंट वरी, वी आर ऑन इट. राइट, ठीक है. तो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इसका बी इसका सही आंसर है. तो इसका आंसर होगा गाइस बिगर साइज, बिकॉज बिगर साइज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है. अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन स्पीक लाउडली कंप्यूटर ऊपर भेज दीजिए, सारी वॉइस भेज दीजिए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस क्या होती है गाइस, ऑलमोस्ट जीरो होती है, लगभग शून्य होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनकी. ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं. अगला क्वेश्चन, ये रिवीजन करते जाना जो भी गाइस अभी रास्ते में, रिवाइज करते जाना, पढ़ते हुए जाना जो भी रास्ते में अभी. अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मेटल विद मैक्सिमम डेंसिटी इज, मेटल इनमें से कौन सा अधिकतम घनत्व वाला है. तो आयरन इज द मेटल जिसकी डेंसिटी इनमें से सबसे अधिक है. ठीक है, सॉरी, ओस्मियम इज द मेटल जिसकी सबसे अधिक डेंसिटी है. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाज फर्स्ट डन बाय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना सबसे पहले किसने की थी. तो पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना सबसे पहले की थी. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. अगला क्वेश्चन दीजिए कंप्यूटर जी. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो किस पर हमारा इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करता. तो टाइम ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर हमारा जो हमारा इंड्यूस चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता. अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं. अगला क्वेश्चन, इन ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू विद क्रॉप, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है. ग्रीन ईयर डिजीज हमारा बाजरे से संबंधित है. किससे, बाजरे से संबंधित है. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. देखिए बाजरा है और यहाँ पर ऊपर देखिए ग्रीन ईयर डिजीज इस बाजरे को हो रही है. ठीक है, तो भैया खा लीजिए जैसे खाने का मन है. अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी. स्लीपिंग स्कनेस इज कॉज्ड बाय, नींद ना आने की बीमारी किस वजह से होती है. तो एक हमारा एक रोग बेसिकली ट्राइपोसोमना होता है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है. देखिए रिवाइज करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो जो हमने किए हैं ऑलरेडी. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, कैसे मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, रिवाइज करते हुए चलना है, बिकॉज आज बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो रास्ते में पेपर देने जा रहे होंगे, जिनका पेपर है और वो रिवीजन करना चाहते होंगे. तो ट्रैपनोसोमना या ट्रैपोसोमा इसका सही आंसर. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. दैट यूनिसेलुलर नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज, मानव आंत में पाए जाने वाला एक कोशिकीय गैर रोगजनक परजीवी कौन सा है. तो ई कॉली हमारा क्या है, एक गैर जो हमारा एक कोशिकीय गैर रोगजनक परजीवी है. क्या है हमारा एक कोशिकीय जो हमारा परजीवी है, हमारा इकोली. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. दैट गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल इज ड्यू टू, समुद्र के गोले का सुनहरा दृश्य किस वजह से होता है. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरनल रिफ्रैक्शन. तो इनमें से किस वजह से हमारा जो गोल्डन व्यू होता है हमारे सी सेल का वो होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, या फिर हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, आंतरिक प्रतिबिंब की तरह से. ठीक है, ओके चलिए. तो सही आंसर इसका वो है ध्रुवीकरण. इसका क्या है सही आंसर गाइस, क्या है, ध्रुवीकरण. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. दैट प्रोटोजोआ विच प्रोड्यूसेस काला अजर, प्रोटोजोआ जो काला अजर का बीमारी उत्पन्न करता है दैट इज लीसेमेनिया. ठीक है,
और अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर, अ कट डायमंड स्पार्क्स बिकॉज ऑफ, एक तराशा हुआ हीरा किस वजह से चमकता है। आप लोगों को पता है कि एक तराशे हुए हीरे के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसके अंदर जो लाइट है वो बेसिकली ट्रैप हो जाती है और बार बार वो उसके अंदर बेसिकली बार बार रिफ्लेक्शन करती रहती है। तो हमारा जो हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इसी की वजह से क्या हो पाता है, हमारा TIR हो पाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी गाइस। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बटर पेपर मैंने दिखाया था आप लोगों को इफ यू रिमेंबर 1 अप्रैल को, तो बटर पेपर में होता क्या है, दैट इज अ ट्रांसकुलेंट, मतलब आधी लाइट पास कर सकता है मगर आधी लाइट को नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाँ, अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक कांपता हुआ शरीर क्या है, विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड, इफ एम्पलीट्यूड इज वाइब्रेशन इज लो विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज, राइट। सो एक जो वाइब्रेटिंग साउंड है मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेशन इज लो, अगर बहुत ज्यादा अगर विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, अगर मान के चलिए वाइब्रेशन लो है तो नहीं करेगा, अगर हाई है तो करेगा, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तभी ये साउंड को क्या कर पाएगा, बना पाएगा, ठीक है, प्रोड्यूस कर पाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द स्पेशल टेक्निक यूज इन शिप्स टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशन बेड्स इज, आप लोगों को पता है कि सोनार है जो कि बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हमारा एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम गहराई को जान सकते हैं, और ये किस पर काम करता है, ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है, साउंड की अल्ट्रासोनिक वेव पर क्या करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, द रीजन ऑफ मिराज, मिराज का कारण क्या है, अगेन जो कारण किसका है, हमारा हीरे के चमकने का है, वही कारण हमारे मिराज का, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कंप्यूटर जी 2 अप्रैल पे चलिए, 2 अप्रैल की फाइल लगाइए यहां पर, तो 2 अप्रैल की फाइल आपके सामने लग चुकी है, दैट व्हाट इज वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या है, ठीक है। वर्मी कल्चर इज द साइंस कीड़े बढ़ाने की, यानी कीड़े फैलने की, ठीक है। एक्चुअली द साइंस ऑफ राइजिंग वॉर्म्स इज वर्मी कल्चर, राइट, याद रखिएगा हमेशा से। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट वी द स्टडी ऑफ जर्नेटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जर्नेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मैंने बताया था कि जर्नेटोलॉजी जो होती है वो गाइज हमारी ओल्ड एज से, वृद्धावस्था से रिलेटेड करती है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, डायनासोर्स वर, डायनासोर्स क्या थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना मीजोजोइक रेप्टाइल्स थे हमारे, ठीक है। रेप्टाइल्स भी आ सकता है कि जो हमारे डायनासोर्स है वो क्या है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, ठीक है। तो आपको जो आंसर देना है दैट इज रेप्टाइल्स गाइस, ठीक है। कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल तक आज हम रिवीजन कर लेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 60 के अराउंड हम क्वेश्चंस को यहां पर कर लेंगे। सो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और रिवीजन के तौर पर भी, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेसोइक रेप्टाइल्स। अगला क्वेश्चन यहां पर लगाता हूं, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक इज होमोलॉगस ड्यू टू, जो सांपों की जहर की ग्रंथि किसके अनुकूल होती है, किस तरह दिखती है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स देखे होंगे आपने, वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स जिनके पास बेसिकली एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो उनके जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जैसे हम लोगों की सलाइवरी ग्लैंड है, वैसे ही जो पॉइजन ग्लैंड होती है सांपों के अंदर, जैसे वो पॉइजन निकलता है ऐसे करके, जब वो ऐसे मान के चलिए खाते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली वो ऐसे खाते हैं, तो यहाँ पर उनके ग्लैंड होती हैं, ठीक है, उनसे वो पॉइजन छोड़ते हैं हाथ में और इस तरह से हमें नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो वैसे हमारे मुंह से भी बेसिकली वैसे जो सलाइवा है वो रिलीज होती रहती है। 5th का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलना, ठीक है, डेजर्ट प्लान और जर्नली, डेजर्ट प्लान देखिए सबसे बड़ी बात है कि डेजर्ट प्लान को एक चीज याद रखना है, इनके अंदर वाटर बहुत होता है, इनके अंदर बहुत भारी मात्रा में आपके मिनरल्स पहुंच जाते हैं, जबकि आप कहेंगे कि सर वहां तो पानी ही नहीं होता, एक्चुअली यही कहानी है। जब उनके पास पानी नहीं है तो वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं ताकि विपदा के समय पर मुझे सहारा मिल सके वापस से, ठीक है। सो जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं गाइस वो रसदार होते हैं, कैसे होते हैं, रसदार होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज, पौधों का भोजन बनाने वाला ऊतक क्या कहता है, फोइलम, अगर पूछा जाए भोजन का तो फोइलम और पूछा जाए जल का तो जाइलम, तो ज़ फॉर जल, पी फॉर पीएच, फॉर एफ एन की फूड, ठीक है। तो फूड से फोइलम और जल से जाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट द हीट ट्रीटमेंट apply to milk stabilize and to remove disease causing bacteria is called, अगर आप मान के चलिए कि कोई disease causing bacteria है और उसे आप निकालना चाहते हैं तो उस treatment को हम क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं कि pasteurization, आप जरूर अमूल की दूध की थैली आती है हमारी, ठीक है,
मदर डेयरी की आती है, वीटा की आती है, तो अलग अलग दूध की थ्योरी आती है, ठीक है। तो उस पर साफ साफ लिखा होता है नीचे, दिस मिल्क हैज़ बीन पाश्चराइज्ड। तो पाश्चराइज्ड का मतलब है कि वो पाश्चराइजेशन प्रोसेस से गुजर चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस दूध को फिर से गर्म करते हैं हमारे पास आने के बाद, उसे ज़रूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड टू अगेन मिसली गिव हीट इट दैट मिल्क। तो क्योंकि यार आप ऑलरेडी वो गर्म होकर आता है, उस पाश्चराइजेशन प्रोसेस से प्रोसेस होकर आता है, ठीक है। बट यस एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट कैन हार्म योर बॉडी, लाइक दैट हार्म का मतलब दैट कैन दैट अगर लॉन्ग प्रोसेस से चले तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं, लाइक उसके अंदर बहुत सारी एडेड चीज़ें होती है, लाइक जिससे वो जो दूध है वो 2-3 दिन तक चल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज दैर इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। जो कॉकरोच होते हैं वो बेसिकली कॉकरोच सर्वाइव नहीं कर सकते पानी के अंदर, ठीक है। तो आपको कॉकरोच से डर लगता है तो कॉकरोच को पकड़िए, उसे पानी में डाल दीजिए, ठीक है। और मतलब कॉकरोच से डर लगता है तो पकड़ोगे कैसे, पहली बात तो, ठीक है, मगर हिम्मत भी कर लेते हो तो उसे पानी में डाल दीजिए। अगर बार बार वो आपके पास आ रहा है तो फिर भैया उसको सांस नहीं आएगा, अगर सांस नहीं आया तो जानते हैं आप लोग, अगर सांस नहीं तो आस नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कॉकरोच की, बिकॉज क्योंकि उसके पास जो सर्कसन का अंग है वो है ट्रैकिया। क्या है गाइस? ट्रैकिया है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। इनमें से कौन सा अंडे देने वाला हमारा मैमल है? तो नुकुली चींटी जो होती है खाने वाला, ठीक है, स्पाइनी एंट ईटर जो हमारा खाने वाला होता है, दैट इज बेसिकली हमारा क्या है, अंडे देने वाला स्तनपाई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भगा भगा आ रहा है, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की वजह से होता है? सह कुछ आ रहा है, सह और सी, विटामिन सी और स्कर्वी, ऐसे याद रख सकते हैं। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, बेसिकली मसूड़े के अंदर खून आने लगता है, मसूड़े फूलने लगते हैं, ठीक है। तो स्कर्वी बेसिकली आपको विटामिन सी से, अगर अब स्कर्वी से दूर रहना है तो विटामिन सी से बेसिकली क्या करना है, आप लोगों को सही करने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, तपेदिक किसके कारण होता है, तपेदिक, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, तो बैक्टीरिया के कारण बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस होता है। गाइस एक और अच्छी खुशखबरी आप लोगों को देनी है, क्या आप लोग तैयार हैं उस खुशखबरी को जानने के लिए? अगर तैयार है तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर वी आर रेडी। तो तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस के बेसिकली बैक्टीरिया के कारण होते हैं, और सभी अभी यहां पर कमेंट बॉक्स में उस बैक्टीरिया का नाम भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, जो कह रहे हैं टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, दैट इज़ गुड बट इसे मत रखो ऐसा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, मतलब सबसे पुराना जीव कौन सा है, ब्लू, ग्रीन एल्गाई, अमीबा, फंगाई या फिर युगलाना, ठीक है। तो जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लू ग्रीन एल्गाई हमारा पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता हुआ ये आया, दैट इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्पिरिन इज प्रोड्यूस्ड। अगर आपको एस्पिरिन के बारे में करना है बेसिकली, तो उसका जो सही आंसर दैट इज विलोबार्क। विलोबार हमें यूज किया जाता है, हम यूज करते हैं अगर हमें कहीं पर भी एस्पिरिन बनाना हो, ठीक है। सो अच्छी खबर यह है गाइज आप लोगों के लिए, जो आज पेपर होगा RRB JEE का, ठीक है, उसका हम लोग एनालाइजर लेकर आएंगे। एनालाइजर मतलब कि कैसे क्वेश्चंस आए, क्या लेवल था क्वेश्चंस का, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, कितने किस तरह का क्वेश्चन आए, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आया नहीं एग्जाम में, ठीक है। और अगर मान के चलिए कुछ ऐसा मुझे लगता है कि देर इज अ चेंज, देर इज अ लिटिल बिट चेंज इन द स्ट्रेटजी, तो मैं तुरंत आपके लिए स्ट्रेटजी चेंज कर दूंगा। सो कल से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि जो आज जो पेपर आएगा, समझ रहे मेरी बात, कि जो कल से सेशन आने वाला 8 बजे वाला जो RRB JEE का होगा, वो सेशन होगा जो आज पेपर होगा ना, उस पर आधारित कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। बिकॉज अगर आप वैसे क्वेश्चंस कर जाएंगे तो गारंटी के साथ आप सिलेक्शन पा जाएंगे। तो जितने भी दोस्त अभी रास्ते में जा रहे हैं भैया, सब ये प्रश्न पढ़ते हुए जाइएगा। अगर आपका दोपहर वाली शिफ्ट या फिर शाम वाली शिफ्ट में पेपर है तो ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज दैट विलो बार्क इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी लंबी कोशिकाएं, दैट आर नर्व सेल्स, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखिए खत्म कंप्यूटर जी 3 अप्रैल पर चलिए, 3 अप्रैल वाली फाइल ये रहा, देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, आप लोगों को पता है कि ऑयली फ्लोर पर हमारी फ्रिक्शन है जो वो बहुत कम होती है। अगर कहीं पर फ्रिक्शन बहुत हो, घर्षण बहुत कम हो, तो वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि फिसलने का चांस बढ़ता है। तो यहाँ पर न्यूटन का लॉ मत लगाना आंसर लगाना कि ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगला कंप्यूटर, हाँ,
द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है। अगर आप ये कहें कि कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप इसे याद रखें कि ये इक्वल होता है जो हमारा टेंजेंट जाता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से जो हमारा टेंजेंट जाता है उसके बेसिकली इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, रिवीजन वाले छात्र जितने भी हैं जो पेपर देने जा रहे हैं आज, जो भी पेपर देने आज जा रहे हैं वो लिख देंगे यस सर हम पेपर देने जा रहे हैं आज। ए मैच स्टिक स्टक ऑन मैच बॉक्स कैचेस फायर इजिली, माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लग सकती है, क्योंकि, तो आग लग सकती है, क्यों लग सकती है, क्योंकि फ्रिक्शन में क्योज फायर। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने बचपन में किया होगा कि दो पत्थर लिए और पत्थर को ऐसे एक दूसरे के साथ टकराया तो बहुत आड़ आग वहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, तो ऐसे मतलब थोड़ी सी चिंगारी सी निकलती है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता हुआ ये आएगा, दैट इज टायर्स ट्रेडेड टू, टायर्स को जो ट्रीड क्यों किया जाता है, ट्रीडेड टू बिकॉज अगर वो हम ट्रीड नहीं करेंगे तो वो फ्रिक्शन नहीं देंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं देंगे तो ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक नहीं लगेगी, ब्रेक नहीं लगेगी तो जीवन व्यर्थ है हमारा, ठीक है, टायर बनाना ही व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस विच, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, इंक्रीजेस फ्रिक्शन आर यूज टू लाइट फायर, रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर यूज टू पुट ऑफ फायर, इनमें से किस वजह से जो हमारे फ्रिक्शन होते हैं, जो स्नेहक होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो डेफिनेटली दे आर यूजेस फॉर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को घटाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जितने भी हैं जो लिख रहे हैं यस सर भैया सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, राइट, तो खत्म कर देना मामला वहां पर, पेपर को खत्म कर देना पूरा का पूरा, जो पेपर बाहर निकलो तो ऐसे परचम लहरा के आना कि फतह कर दी सर, जीत कर आए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। शेयर कर दो यार एक बार, जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर 66 पीपल्स हैं, अगर आप में से 40 लोग भी शेयर कर देंगे तो उन लोगों तक ये बेसिकली पहुंच जाएगा जिनका आज पेपर है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन टू द रोलिंग फ्रिक्शन, आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होती है वो आपकी स्टैटिक होती है, उसके बाद स्लाइडिंग होती है, देन उसके बाद रोलिंग होती है। सो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है दैट विल बी ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी, स्टैटिक, उसके बाद बेसिकली कौन सा है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, देखिए स्लाइडिंग और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लुइड्स इज कॉल्ड, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो फ्लुइड्स के द्वारा निकाला जाता है वो कौन सा होता है। गुड मॉर्निंग जूली आ गई यहाँ पर, भैया देखिए जूली का जरूर स्वागत कीजिएगा हमेशा, क्योंकि ये हमारी रेगुलर स्टूडेंट है, लाइक सागर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिया और संगीता, राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली जुड़ते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारा उन्होंने सीखा भी होगा, अगर सीखा तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, हाँ सर थोड़ा बहुत सीख लिया आपसे भी, ठीक है, तो ड्रैग इज द राइट आंसर, ठीक है, ड्रैग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दैट फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देयर अरेंजमेंट विल बी, इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल कि सबसे ज़्यादा जो हमारी फ्रिक्शन होती है दैट इज कौन सी फ्रिक्शन होती है, सबसे पहले हमारी स्टैटिक जो सबसे ज़्यादा होती है, देन रोलिंग एंड सॉरी देन स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहा है इसने क्या क्या है, फ्रिक्शन के हमें कैसे निकालना है, हमें बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम रोलिंग हुआ, उससे ज्यादा स्लाइडिंग हुआ और सबसे ज्यादा हमारा स्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप चल रहा है यहाँ पर, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं सर गुड लक, ऑल द बेस्ट भैया सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है, और डेफिनेटली आप लोग अच्छा करके आएंगे मुझे पक्का भरोसा है, मम्मी पापा का भी एक बार आशीर्वाद ले लेना भैया अपने अपने, ठीक है, जितने भी दोस्त हैं। अ बोट और अ एरोप्लेन हैज अ पॉइंटेड ऑन टेम्परिंग फ्रंट हेड, वाई, यहाँ पर नितकर्ष भी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नितकर्ष भी देखिए रेगुलर आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ फ्लुइड, जो हमारा फ्लुइड होता है उसका फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बोट और टेरोप्लेन पर पॉइंटेड टेपरिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द सोल ऑफ शूज बिकम्स प्लेन आफ्टर वियरिंग फॉर सेवरल मंथ्स, द रीजन इज, अगर भैया आप जूतों को बार बार पहनेंगे पहनते रहेंगे, महीनों तक पहनते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो घिस जाएंगे, और घिसने की वजह से क्या होगा, वो घिसेंगे किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाएंगे, तो वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भागता हुआ ये आ रहा है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, किस लिए होता है, बिकॉज जो फ्रिक्शन है वहां पर क्या होती है, कम होती है, फ्रिक्शन क्या होती है वहां पर, कम होती है। देखिए भैया थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, क्योंकि अब देखिए मैं भी मशीन नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं आप लोगों की तरह।
सागर कुमार, कार्बन डेटिंग विद, देख भाई कार्बन डेटिंग का एक जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ तरह से नहीं आएगा। कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ साइकिल कितनी हो चुकी है, उनकी लाइफ क्या है, तो उसके लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, लाइक फॉसिल फ्यूल्स हैं, ओके, तो अब 4 अप्रैल पे चलिए कंप्यूटर जी, 4 अप्रैल, पहला क्वेश्चन 4 अप्रैल से आता हुआ इज दैट द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट, द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। सो याद रखिएगा इट्स 8 मिनट्स एंड 5 सेकेंड के अप्रोक्स लगता है। आगे चलिए यहाँ पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी इन 1945। तो नागासाकी हिरोशिमा में बम डाले गए थे ना अमेरिका के द्वारा जापान पर, तो वो किससे बने हुए थे, उसके अंदर जो मतलब कहते हैं ना कि जो फिजनेबल मटेरियल क्या था हमारा, ठीक है, मतलब बम किससे बने हुए थे एक्चुअली कह सकते हो आप। सो प्लूटोनियम के बम थे, याद रखना यूरेनियम के ही आंसर लगाए हैं आज पेपर में आप, ठीक है, तो आंसर लगाना प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, GPS stands for, GPS की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये एक पॉइंट टू पॉइंट सर्वर से बिलोंग रखता है, पॉइंट टू पॉइंट आपकी लोकेशन को सेंड करता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है गाइस, अगर आप यहाँ से इवन एट इतना भी हिले तो आपकी आपकी बेसिकली लोकेशन के अंदर बदलाव वो दिखाएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। अभी देखिए हमने तीन पहले जान लिए हैं, दैट हमने डायमंड को जाना, हमने मिराज को जाना, और ये तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करने वाला, ये क्या है तीसरा हमारा मटेरियल है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आया इज दैट, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन गाइज देखिए, ओनली 64 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जितने भी दोस्त हैं यार आगे चलते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। इन ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन द वेव जो होती है वो कौन सी यूज़ की जाती है, आप लोग जानते हैं जो फाइबर कम्युनिकेशन होता है, अभी देखिए जियो फाइबर के नाम से इंटरनेट भी आने वाला भारत में, इट्स नॉट ऑल अबाउट 4G 5G 6G, बहुत हायर इंटरनेट रहेगा वो, बहुत तेज़ी से चलने वाला, बिकॉज वहाँ पर इंटरनेट लाइट वेव का यूज़ करेगा। अभी हमारा जो इंटरनेट है वो इलेक्ट्रिकल वेव का यूज़ करता है, ठीक है, वहाँ पे किस वेव का यूज़ करेगा, वो लाइट वेव का यूज़ करेगा और ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, चलने के लिए इन्फॉर्मेशन लाइट वेव की तरह चलेगी। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, एंडोस्कोप यूज बाय द डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रोगी के पेट के अंदर की जांच बेसिकली एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है, वो किस पर काम करता है। तो चौथी एप्लीकेशन आपके सामने आई, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने आया। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, द रीजन ऑफ मिराज इज, मिराज का कारण क्या है, ये एक और क्वेश्चन जो पहले भी करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी, द डायमंड, डायमंड का लश्रस दिखना, वो भी हमारा बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ 3-dimensional ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, 3-dimensional ऑब्जेक्ट है कोई और उसे इंटीग्रेट करना है, मार्क करना है उसकी इमेज को, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे गाइस, उस टेक्निक को बोला जाता है गाइस होलोग्राफी, उसको क्या बोलते हैं, होलोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू, तो जो रमन इफेक्ट है वो सभी के लिए चलता है, ओनली फ्लूइड्स प्रिज्म डायमंड सभी के लिए वो क्या करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग साउंड अ CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिक प्लेयर्स यूजेस, प्रतिलिपि ध्वनि के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने CD देखी होगी जब वो घूमते तो उसके ऊपर लेज़र बीम होता है, अगर मान के चलिए आपने देखा होगा CD-ROM कई बार ख़राब हो जाता है कंप्यूटर का, तो उसका मतलब लेज़र उसका ख़राब हो चुका है, अब लेज़र हमारा स्कैन नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को। आगे चलते हैं, वेन अ CD कॉम्पैक्ट डिस्क इज सीन इन सनलाइट रेनबो लाइक कलर्स, हाँ जब भी आप ऐसे रखते हैं डिस्क को तो वहाँ पर आपको रेनबो से दिखता होगा, है ना, CD के ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पर रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट साथ की साथ हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन होता है उस परत से टकराकर और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट भी वहाँ पर हो रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलें कंप्यूटर जी, टेलीविज़न सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, अब टेलीविज़न जो हमारी सिग्नल्स है वो एक दूरी पर नहीं देखे जा सकते, इस बिकॉज हम सभी जानते हैं क्योंकि जो हमारा जो सरफेस होता है अर्थ का वो कर्व हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, कुछ देर चलने के बाद, तो जब मुड़ जाएगा तो इनकी सीधा सिग्नल नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करना होगा या फिर हमें सैटेलाइट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए कंप्यूटर जी,
ओके द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑटो सिग्नल इज, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वहाँ पर होता है। देखिए याद रखिए गाइस, हमारे तीन तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। चौथा मॉड्यूलेशन है दैट इज फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, चौथा मॉड्यूलेशन हालांकि आप कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हमारे चार मॉड्यूलेशन को अब आप कहेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या बदलाव करते हैं कैरियर वेव के अंदर। याद रखना कि मॉड्यूलेशन में हमेशा कैरियर वेव के अंदर बदलाव किया जाता है, कभी भी मॉड्यूलेटिंग वेव के साथ बदलाव नहीं किया जाता। मतलब उस वेव के साथ हम कभी भी बदलाव नहीं करते जिस वेव को हमें बदलना है, हम बस एक कैरियर वेव के साथ बदलाव करेंगे, कैरियर वेव जो उस मॉड्यूलेटिंग वेव को लेके चलेगी अपने साथ में, ठीक है। उसके अंदर बदलाव करेंगे, उसका फ्रिक्वेंसी में एम्पलीट्यूड फेज वगैरह सब सेट करके भेजेंगे और दोनों को सुपर इम्पोज करा देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम डिमोडुलेटर से उसे दोबारा से रिमूव कर देते हैं कैरियर वेव को, और हमारे पास जो सिग्नल होता है इंफॉर्मेशन वाला वो पहुंच जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए यहां पर, द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना, रेटिना पर कैसी इमेज बनती है। तो याद रखिएगा रेटिना पर छोटी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो वस्तु से छोटी इमेज बनती है और उल्टी बनती है। तो गाइज क्वेश्चन हटा दीजिए, अब रेटिना पर हमारी जो इमेज बनती है उसे फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, सीधा करके पढ़ लेता है। सो ये थे हमारे अराउंड हमने किया यहाँ पर 55 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए आप लोगों के साथ, एंड दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अ लॉट। और आज 12:30 बजे एनालाइजर है, जो एग्ज़ाम आया है उसी के आधार पर कैसे क्वेश्चन आए, तो सभी लोग वहाँ भी मिलना, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप जैसे दोस्त जो हैं इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कर सके। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। Subscribe to Adda 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.